किसने दिया था भोपाल को जख्म? कौन है शकील अहमद कुरैशी, जिसको ढूंढ नहीं पाई सीबीआई? आज बात होगी उस रात की जिसकी फिर सुबह ही नहीं हुई। नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वो काली भयानक रात जिसकी फिर सुबह ही नहीं हुई, चैन की सांस ले रहे लोगों की सांस उस रात उखड़ गई। सुबह जो तस्वीर सामने आई वो आज तक भुला ही नहीं पाए। उन तस्वीरों को देखकर आज भी रूह कांप उठती है। भोपाल गैस कांड को बीते हुए 36 साल हो चुके हैं। ये वो भयानक घटना थी जिसका जिक्र होते ही लोगों का दिल सिहर उठता है। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि अब ऐसा हादसा कभी ना हो, क्योंकि भोपाल गैस कांड को दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक घटना मानी जाती है। आज भी लोगों के मन में यही सवाल है कि इसका असली गुनहगार शकील अहमद कुरैशी कौन था और उसका क्या रोल था, बताएंगे। पहले आपको ये रिपोर्ट देखिए। 2 और 3 दिसंबर की आधी रात लोग घर में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि ये नींद अब कभी नहीं टूटेगी और वो धीरे धीरे मौत के आगोश में चले जाएंगे। कई बच्चों की किलकारियां उस दिन खामोश हो जाएंगी और कई घर पल भर में तबाह हो जाएंगे। जिस हवा में वो चैन की सांस ले रहे थे वही काल बनकर मंडराने लगेगी। हवा में जहर घुलने का एहसास किसी को भी नहीं हुआ। लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। इधर हवा में धीरे धीरे जहर घुल रहा था, उधर लोगों की सांसें उखड़ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ ये क्या हुआ है। हवा में घुला हुआ जहर धीरे धीरे लोगों के लिए फांसी के फंदे की तरह काम करने लग गया। ये वो रात थी जिसकी कोई सुबह ही नहीं हुई, क्योंकि सुबह लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। रात को जब लोगों को घुटन महसूस हुआ तो बाहर आ गए। उन्हें नहीं मालूम था कि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही थी। इस त्रासदी में सबसे ज्यादा आसपास की झुग्गी झोपड़ी वाले लोग मारे गए और आज भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला था। दरअसल इस घटना के मुख्य आरोपी वीरेन हेंडरसन की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। लोग कहते हैं गैस कांड के मुख्य आरोपी को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने सुरक्षित निकाल दिया था। बता दें भोपाल के संगन इलाके में झोला में स्थित यूनियन कार्बोडाइट के कारखाने से मिथेन आइसोनेट जैसी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और इसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन आज भी शकील अहमद कुरैशी एक राज ही रह गया। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये इस बात का गवाह है कि उस रात को क्या कोहराम मचा हुआ था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सीबीआई ने घटना की जांच शुरू की। लोगों को उम्मीद थी कि मुख्य आरोपियों को सजा मिलेगी। इस घटना की जांच 3 साल तक चली और बाद में वॉरेन एंडरसन सहित यूनियन कार्बाइड के 11 अधिकारियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। पर उन लोगों की बुरी किस्मत देखिए कि एंडरसन को कभी भारत ही नहीं लाया जा सका, उसके बिना ही पूरा केस चला। जून 2010 में इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में कार्बाइड के अधिकारियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अधिकारियों ने जुर्माना भरा और सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन एक आरोपी आज तक जिसे कोई ढूंढ ही नहीं पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आज भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला और इस पूरे हादसे का सबसे बड़े गुनहगार शकील अहमद कुरैशी आजाद घूम रहा है। हजारों लोगों की सांस छीनने वाला शकील अहमद कुरैशी खुली हवा में सांस ले रहा है। दरअसल शकील अहमद को भी कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, पर सबसे बड़ी बात यह कि शकील अहमद बस एक नाम बनकर ही रह गया। शकील अहमद ऐसा गुमनाम चेहरा था कि जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई उसे जानता है। शकील अहमद कौन है ये आज भी एक रहस्य है। और सबसे बड़ी बात है कि शकील अहमद को 36 साल बाद भी सीबीआई ढूंढ ही नहीं पाई, जिसने सबकी तस्वीरों पर माला चढ़वा दी थी। उसकी ये तस्वीर भी सीबीआई के पास नहीं है। बता दें शकील अहमद कुरैशी एमआई प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर था। कुरैशी कभी भी सामने नहीं आया और ना ही मामले का खुलासा हुआ। यानी कि आज भी पीड़ितों को पूरा इंसाफ नहीं मिला है और उनके इंसाफ की उम्मीद भी अब समय के साथ साथ खत्म हो चुकी है और उन्हें कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।